Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम टू द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स को पावर्ड बाय ट्रेंड. देखिए, फेस्टिवल्स का माहौल है और हमारे सेट पे आज आ चुकी हैं एक बॉम. प्लीज वेलकम द वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड, ऑलवेज पॉजिटिव एंड माय फेवरेट रवीना टंडन. और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट है. उनको कॉमेडी का माएस्ट्रो कहा जाता है, क्योंकि जब बात सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देने की होती है या फिर स्टैंड अप करने की, ये कल्चर हमारी कंट्री में उन्होंने ही शुरू किया. मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली शेखर सुमन की. जोरदार तालियां शेखर सुमन के लिए. थैंक यू. प्लीज आइए और बात करें. थैंक यू. आज की सुपर नाइट को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है. ये वो हैं जिन्हें प्लेबैक सिंगिंग नहीं बल्कि लाइव ऑडियंस के बीच गाना पसंद है. द वेरी टैलेंटेड द म्यूजिकल माएस्ट्रोस बडाली ब्रदर्स और उनके बेटे लखविंदर बडाली. जोरदार तालियां हो जाए. बहुत बहुत आपका वेलकम है. क्या गाया है आपने, मुझ जैसी बेजान मूर्ति में भी जान डाल दी, क्या बात है. देखिए मुझे अपने साथ ले जाइए. एक घर वाली तो सांभ ही नहीं जाती थे. एक सवाल ही नहीं जाती. घर वाली मतलब आपकी शादी नहीं हुई ना, इस जन्म में तो मुझसे करेंगे ना. मेरे 5 बच्चे हैं. क्या? 5 बच्चे. आपके 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं. यानी कि एक तो सजन मेरे पास नहीं है, दूसरा मिलन की कोई आस नहीं है. वो ना मुझे बात याद आई ना थोड़ी सी. अच्छा, बात याद आई. उसने बोला कि मेरे 5 बच्चे, तो घरवाली को बोलने लगा ऐसे कर के गवर्नमेंट कहती है मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा 1-1 बच्चे का, जितने बच्चे हैं बताओ. वो घरवाली को कहने लगा कि मैं 5 बच्चे तो हैं, 2 मेरे और भी कहीं हैं. और भी कहीं हैं. वो कहता मैं ले आऊं. वो कहती ले आओ, 7 लाख बन जाएगा. वो 2 लेकर आ गया. जब 2 लेकर आ गया तो कहने लगा ए वो तो 5 तो पहले थे, तो 2 अभी थे, अभी तो 7 बनने थे, तो 5 कैसे रह गए. वो बोलती जिनी के थे वो 2 वो ले गया. 5 में से 2 उनके थे वो ले गए. इन्हां लई फिर कुछ कहना बाबा जी? हाँ जी, इनके लिए भी कुछ कह दें, ये बड़ी देर के यहाँ पे खड़े हुए. मुझे वो बात याद आई. दोनों मियाँ बीवी, उनकी लड़ाई हो गई. कहता मैं तो आपको रखना नहीं चाहता. वो कहती मैं तो तुम्हारे पास ही रहना है. कहने लगे ऐसे वो उनका झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी में चले गए. जज ने पूछा क्यों भाई इनको रखना है? कहता नहीं जी. उनको बोला कि क्यों भी तू रहना चाहती है? कहा जी हाँ मैं तो रहना चाहती हूँ. कैसे? जैसा आप ही पूछो, ये सारा मोहल्ला मेरे पर खुश है, इसको क्या पीड़ हुई है, ये क्यों नहीं रखता. थैंक यू सुगंधा. आप प्लीज आप जाएं. गुरु जी जाऊं? नहीं तो कोई और बात याद आ जाएगी. और बात याद आ जाएगी.
सफलता के लिए जोरदार तालियां। शेखर जी, I'd like to invite you, please, कि आप यहाँ आए और हमारे वडाली ब्रदर्स से और लखविंदर जी से आप बातचीत करें। ये बताइए कि जो संगीत है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे सूफी या कव्वाली या गज़ल, आपको लगता है ऐसे नाम देने चाहिए या संगीत सिर्फ संगीत है, संगीत अच्छा या बुरा होता है, रूहानी होता है, और आप लोगों का संगीत जो है वो सीधे रूह तक पहुंचता है? अच्छा, एक बात मैं कह दूं, इसलिए क्योंकि ये सब सुनने वाले लोग हैं जी, तो मुझे इसलिए बात वो याद आई। फिर बात याद आई, हाँ जी, कमाल है। इनकी बात जब याद आती है बहुत डेंजरस होता है। बादशाह ने बोला है अपने सुनने वालों को, कौन सा गवैया मंगवाऊं? वो कहने लगे उसी खान साहब को मंगवाओ। बुला लिया बादशाह ने, वो कहता जी एक शर्त पे गाऊंगा मैं। कौन सी? एक तो मुझे को वाह वाह ना कहे। अच्छा, एक सर ना हिलाए को। जे किसी ने सर हिला दिया तो वाह वाह कर दिया, मैं बंद कर दूंगा गाना। उन्होंने कहा भाई ठीक है, सबको बोल दिया। जब वो गाना उसने गाया तो जो सुनने वाले थे ना, जब किसी के चोट देखे, क्योंकि गाने वाला एक रैफल होती है जी, गाने वाला रैफल है, वो जो गोली लगती है अगले के लगती है सर के रूप में, स्वर के रूप में लगती है, नफा नुकसान उनका होता है, वो तो रैफल से गोली निकल गई। जब वो लोग सुनने वाले थे ना, जब ये बात कही वाह क्या बात, गवैये ने गाना बंद कर दिया। बंद कर दिया तो बादशाह ने कहा मैंने सब लोगों को बोला था, हिदायत दी, पिभावा भी नहीं करना तो सर भी नहीं हिलाना, अभी तो गवैया वो गाएगा नहीं। पूछ ही लिया, वो कहने लगा खान साहब आपने गाना क्यों बंद किया? कहने लगा मैंने इसलिए बंद किया है जिन्होंने सर हिलाया तो वाह वाह कही वो बैठे रहे, दूसरे ठा दो बीच से। उनको पता नहीं गाना क्या। वाह, सभी सुनने वाले। एक इजाफा करना चाहूंगा आपके नाम में, आप तो हैं उस्ताद, परम पूजनीय, पद्मश्री, पूरन चंद वडाली साहब, इतनी कहानियां भाई साहब, लखविंदर साहब, पाजी आप तो कहानियां सुन सुन के बड़े हो गए होंगे। ये जो बात अभी की है, हाँ, मुझे फिर बात याद आ गई। बादशाह की लड़की ने बोला कि मैं उनके साथ शादी करूंगी जो मेरी बात का जवाब दे। वो एक बहुत लोग गए बच्चे, जब वो बात को करता था ना, वो कहती थी इससे आगे फिर क्या करेगा, फिर मैं ये करूंगा, इनके आगे फिर क्या करेगा, ये करूंगा, ऐसे ऐसे करना, वो आगे जवाब खत्म हो जाना उसने उनका सर काट लेना। एक ऐसे ही सुनकर कहने लगा चलो मैं भी शादी करवाता हूँ, चलता हूँ मैं भी, चला गया। जिस वाल लड़की के पास तो कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ। कहने लगी फिर? कहने लगा मैं फिर ऐसे करूँगा जी, मैं कुछ थोड़ा सा ना पैसा इकट्ठा करके तो कबूतर बनाऊँगा, मेरे पास कबूतर बहुत हो जाएंगे, फिर मैं काफ़ी 3 कुएँ मंगवाऊँगा, कुएँ बनाकर 3 कुएँ में कबूतरों के भर दूँगा। ओहो, आगे फिर क्या करेगा? फिर मैं एक कबूतर डाल दूंगा। आगे फिर क्या करेगा? फिर दूसरा डाल दूंगा। फिर क्या करेगा? तीसरा डाल दूंगा। जब कबूतर ही रहा, कहती कब खत्म होए? कहता अजय तो एक कुआं नहीं खत्म होया, अजय तो बहुत दो कुएं हो रहा है। कितनी किसानियों की बातें सुनाओ। आप लोग मिट्टी से जन्मे लोग, मिट्टी के लोग हैं। हम लोग जो है ये सब सतही लोग हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं गलत गलत जगह तालियां बजा रहे हैं। देखो ना, तालियां बजाई है। हाँ, तालियों की बात भी मुझे याद आ गई है। आने नहीं आप। वो पंडाल कैसा है? वो पंडाल कैसा है जिस पंडाल में तालियां ना हो? वो ससुराल कैसा है जिस ससुराल में सालियां ना हो? भाई उस्ताद जी, मेरे बस में होता, दिल की बात कह रहा हूँ, आपके नाम के पहले पद्मश्री नहीं भारत रत्न लगना चाहिए। और क्या बात है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन.